तो दोस्तों जब भी हम स्पाइडर प्लांट से देखते हैं कि इस तरह से नर्स निकलती है तो हमें जो है बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और हम भी सोचते हैं कि जब हम नर्सरी में जाएंगे तो स्पाइडर प्लांट को हम हमारे पास ज़रूर लाएंगे, कि क्योंकि इस तरह से रनर्स जब भी निकलते हैं तो दिखने में भी बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं और खुशी लगती है। और देखिए तुरंत जो है हमें जो है बहुत सारे पौधे भी इस तरह के जो है मिल जाते हैं, बहुत सारे पौधे मिल जाते हैं एक ही प्लांट से। तो हम भी जो है जब भी उसके बाद जब भी हम नर्सरी में जाते हैं तो तुरंत जो है स्पाइडर प्लांट खरीद के ले आते हैं। और स्पाइडर प्लांट खरीदने के बाद जब हम लगाते हैं तो कई बार जो है हम देखते हैं कि हमारे स्पाइडर प्लांट तो बहुत अच्छे से चल रही होती है लेकिन उस पर जो है कोई भी इस तरह के रनर्स जो आते हैं वो नहीं निकलती है। तो इसका कारण क्या है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ स्पाइडर प्लांट की दो तरह से किस तरह से आप प्रोपोगेशन कर सकते हो स्पाइडर प्लांट की, दो मेथड मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पर मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और अगर वीडियो देखकर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ दीपा और स्वागत करती हूँ दीपाज गार्डनिंग में। देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है स्पाइडर प्लांट की चार वैरायटियाँ है, तो ये आप देख सकते हो इसकी पत्तियाँ जो है इस तरह से बहुत ही लंबी लंबी पत्तियाँ आते हैं, इस तरह से देखिए बहुत ही लंबे लंबे आते हैं पत्तियाँ। और एक है ये वाली वैरायटी जिसको देखिए इसकी पत्ती जो है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं आती है, तो इस तरह से देखिए ये एक वैरायटी है। और ये जो है ये एक और वैरायटी है, इसकी पत्ती आप देख सकती हो इसकी पत्तियाँ लंबी तो है लेकिन इसकी जो व्हाइट कलर की शेड है वो देखिए इस तरह से है। तो ये हो गए और एक वैरायटी, और यहाँ पर देखिए ये और एक वैरायटी है इसकी, इसकी भी पत्तियाँ देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं बात करूँगी कि रनर्स जो है वो हमारे इन पौधों में से क्यों नहीं निकलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है दो तरह की वैरायटी है जिस पर ही आप जो है इस तरह के रनर्स जो है आपको मिलेगी। तो ये जब भी आप स्पाइडर प्लांट को खरीदने जाओ तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप कौन सा स्पाइडर प्लांट ले रहे हो। अगर स्पाइडर प्लांट आपको इस तरह से मिलती है, इस तरह की देखिए ये लंबी पत्तियों वाली, तो आप समझ लीजिए कि समझ लेना कि आपको जो है इस तरह की जो है बेबीज़ मिलेगी रनर्स के अंदर। ये देखिए ये दो यहाँ पर बेबीज़ निकल रहे हैं इस वैरायटी से, और मिलेगी इस वैरायटी से देखिए, जिसकी पत्तियाँ स्पाइडर प्लांट की पत्तियाँ इस तरह से देखिए, दिखाती हूँ अच्छी तरह से यहाँ पर देखिए, जिसकी पत्ती आपको ऐसी लंबी लंबी दिखे तो आपको समझना है कि उसी में से ही जो है आपको रनर्स मिल जाएगी। इस तरह से जो है लंबी लंबी करके रनर्स आपको मिलेगी। और जब भी आपको इस तरह की वैरायटी मिले छोटी पत्तियों वाली, देखिए यहाँ पर बहुत सारी एक ही वैरायटी के हैं, ये देखिए ये सारी एक ही वैरायटी के हैं, इस पर जो है फ्रेंड्स आपको जो है रनर्स नहीं निकलेगी, इस पर आपको रनर्स नहीं मिलेगी, इस पर जो है इस तरह के फूल आते हैं। ये देखिए पहले पहले मैं भी जब पहला मैं स्पाइडर प्लांट लाई थी तो यही स्पाइडर प्लांट में लाई थी, तो तब भी मैं भी जो है वेट कर रही थी कि कब मेरे पौधे में जो है इस तरह के रनर्स निकलेगी। तो बहुत दिनों के बाद भी नहीं देखा कि इस पर जो है कोई भी रनर्स इस तरह से नहीं निकले हैं। ये देखिए ये आते हैं लेकिन इस पर आते हैं ये छोटे छोटे फूल, तो इसको भी आप सेपरेट कर सकते हो, इस पर से भी बहुत सारे पौधे बना सकते हो। इस तरह से देखिए मैंने बहुत सारे पौधे जो है एक ही पौधे से बनाया हुआ है। तो ये जो दो वैरायटी है, ये एक वैरायटी और ये एक वैरायटी, इन दोनों में जो है रनर्स नहीं निकलती है, इस तरह से सिर्फ फूल खिलते हैं और इस पौधे में जो है सीड्स भी बनते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सी स्पाइडर प्लांट खरीदने हैं। अगर बड़ी पत्तियों वाले स्पाइडर प्लांट आपको मिलते हैं तो आपको खरीदना है, अगर आपको चाहिए इस तरह के रनर्स सिर्फ बड़ी पत्तियों वाले स्पाइडर प्लांट ही पे ही आपको मिलेगी। इस तरह से देखिए, और छोटी जो वैरायटी है इस पर आपको, इस पर से भी आप प्रोपोगेशन कर सकते हो, बहुत सारे पौधे बना सकते हो। इसकी दो तरह की प्रोपोगेशन दिखाने वाली हूँ, एक तो इस पौधे से मैं प्रोपोगेशन करके दिखाऊंगी। देखिए इसको मैंने एक हैंगिंग बास्केट के अंदर लगा के रखी थी और ये पौधा जो है बहुत ज़्यादा बुशी जो है बन चुके हैं, बहुत सारे पौधे इस पर बन चुके हैं। तो इसको मैं आज सेपरेट करके जो है प्रोपोगेशन दिखाऊंगी, और एक तरह की प्रोपोगेशन दिखाऊंगी, वो है इस छोटी छोटी बेबी से आप किस तरह से प्रोपोगेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये जो देख रहे हो ये मुझसे जो है 3 दिन पहले टूट गया था यहाँ पर से देखिए, तो अभी इसकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो रही है और मैं टाइम की वजह से जो है कर नहीं पा रही थी और वीडियो भी बनाना था इसके ऊपर। तो चलिए पहले इस पर मैं प्रोपोगेशन करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आप इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ छोटी छोटी जो है पानी ले लिए हैं छोटी छोटी बोतल के अंदर, और यहाँ पर मैंने दो मिट्टी तैयार करी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 2 ग्लास पर जो है सिर्फ सैंड लिया है, और यहाँ पर 2 ग्लास पर जो मिट्टी है वो है कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी सैंड मैंने इस पर डाली हुई है। तो पहला जो है मैं इस पर से दिखाती हूँ कि किस तरह से आप इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीका है, आपको जो है इस तरह से इसको लेना है, ये देखिए, और इसकी आप रूट्स देख सकते हो, ये देखिए इसके रूट्स, तो इस तरह से इसकी रूट्स देखिए, और उसको जो है आप चाहो तो इस तरह से जो है आप पानी पर इसको ग्रो कर सकते हो। बस इसी तरह से जो है आपको रख देना है, लेकिन फ्रेंड्स जब भी आप पानी पर इसको रखो, यहाँ पर देखिए जब भी इस तरह से आप पानी पर ग्रो करना चाहते हो तो आप कोशिश करिए कि इसकी जो पत्तियाँ है, पत्तियों का जो ये वाला
ये वाला जो हिस्सा है ये पूरी तरह से पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए, इस तरह से नहीं जाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि ये यहाँ पर जो है ये सड़ने लगते हैं, यहाँ से जो है ये सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको सिर्फ जो है इसकी जो रूट्स है इस तरह से इसकी रूट्स को ही पानी के अंदर इस तरह से रखना है। तो देखिए बस एक हफ्ते में ही जो है, एक हफ्ता भी नहीं लगते हैं फ्रेंड्स, और देखिए एक हफ्ता भी नहीं लगते हैं, इस तरह से देखिए इसके रूट्स आ जाते हैं ये देखिए। तो आप चाहो तो अभी छोटे छोटे जो है इस तरह से यहाँ पर देखिए, इस तरह से आप छोटी सी पॉट पर इसको पानी पर इस तरह से ग्रो कर सकते हो। ये देखिए मैंने पानी पर ग्रो करी है, तो इसको आप इस तरह से ग्रो करके घर पे रख सकते हो, एक ब्राइट लाइट एरिया पर रख सकते हो। और यहाँ पर देखिए और पौधे में ले लेती हूँ, जैसे कि ये देखिए इसको मैंने ले लिए हैं, और देखिए इसके रूट्स बहुत ही इसी तरीके से आप स्पाइडर प्लांट को ग्रो कर सकते हो इस तरह से देखिए। तो बस इस तरह से जो है लगा देना है, ये देखिए इस तरह से मैंने सैंड पर लगा दिए हैं। और अभी जो है मैं ये देखिए, इसको मैंने जो है जब टूट गया था तो इसको पूरे पौधे को जो है मैंने पानी के अंदर रख दिया था, तो जिस जिस जगह पर पानी ज़्यादा गिरी है उस पर देखिए इस तरह से पत्तियाँ जो है गलने शुरू हो गई थी। तो इसको मैं अब देखिए इस पर से जो है बहुत सारे पौधे हमें देखने को मिलते हैं, और इनको जो है हमें अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, सारी जो गली हुई पत्तियां है उसको हटा देना है। और इस पर से देखिए मैंने निकल लिए हैं एक पौधा, इसको मैं लगा रही हूँ इस रेत के अंदर। और इसको मैं लगा रही हूँ कोकोपीट के अंदर, इसकी जड़ी देखिए कितने अच्छे से इसकी जड़ें जो है बन चुके हैं, ये देखिए। तो इसको मैं लगा रही हूँ कोकोपीट के अंदर। तो अभी मैं इस पौधे को धीरे धीरे से जो है बास्केट से निकालती हूँ इस तरह से देखिए। तो अभी मैं जो है इस चीज़ की मदद से जो है धीरे धीरे से इसको सेपरेट करने की कोशिश करती हूँ। इसके नीचे देखिए इस तरह से इसके जड़े होते हैं, इस तरह से देखिए मैंने दो भाग में इसको सेपरेट कर लिए हैं। और अगर चाहो तो आप इसको इस तरह से लगा सकते हो, इस पर भी मैं अभी जो है सेपरेट करूँगी। तो इस तरह से देखिए दो पौधे बन चुके हैं यहाँ पर देखिए। तो ये देखिए चार पौधे यहाँ पर बन चुके हैं फ्रेंड्स। इस तरह से आप जो है बहुत ही आसानी से इस पर से देखिए तुरंत, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए तुरंत आपको जो है चार प्लांट एकदम रेडी मिल चुके हैं। तो बस और कुछ नहीं करना है, इसको अभी पॉट पर जो है आपको लगा देना है। और मैं जो स्पाइडर प्लांट पर यूज़ करती हूँ जिस तरह की मिट्टी, यहाँ पर देखिए गार्डन सॉयल है और एक भाग है सैंड और एक भाग है वर्मी कंपोस्ट। तो इन सबको मिलाकर मैं अभी जो है इस पॉट पर लगा दूँगी, इस तरह से लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक पौधे को जो है इस तरह से रिपोर्ट कर दिए हैं, और इन तीन पौधों को भी मैं लगा दूँगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो पर एक और नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।